बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके ही YouTube चैनल स्टे विथ मी में। एक मैं वीडियो पुराना बना चुका हूँ, उसमें गड़बड़ हो गया, दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप सब लोगों के कुछ भी करेगा तो देखो भाई, बात यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में वैकेंसी आ रखी है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, जिन्होंने सर्टिफिकेट कर रखा वोकेशनल में और ITI जो टेक्निकल ट्रेडें हैं उसमें अगर आपने कर रखा तो आप लोग बच्चा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं डिटेल बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग सारी की सारी डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, एज एलिजिबिलिटी, क्या क्या आपसे पूछा जाने वाला है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊँ कि अगर जो बच्चे ITI करते हैं उनके लिए मेरा हमेशा कहना रहता है अप्रेंटिसशिप जरूर करो, और अप्रेंटिसशिप करने के बाद कहीं ना कहीं जॉब तुरंत करो, ठीक है। इसके साथ साथ में आप अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जॉब करते समय या कुछ और कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो नहीं, आपको करना चाहिए, ठीक है। आप साथ साथ में तैयारी करो तभी आपका भला होगा, ठीक है। तो ये बात रही इसकी। अब देखो एक साल का आपका जो है ना वन ईयर का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, और ये जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड खुद में एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, 1961 के एक्ट के अनुसार आपको अप्रेंटिसशिप के लिए पद आवंटित कर रही है। तो कैटेगरी वन कौन से वोकेशनल कोर्सेज हैं, कौन कौन से उसके अंदर, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, कंप्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड रेस्टोरेंट, बेसिक नर्सिंग एंड रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में नंबर ऑफ सीट आपके सामने आएंगे। तो 7,500 रुपये आपको पर मंथ के रूप में छात्रवृत्ति या स्टिपेंड कहेंगे वो मिलेगी। अगर ITI वालों, टेक्निकल वालों के लिए हम देखें कौन कौन सी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 पद, फिटर के लिए 25, वेल्डर के लिए 25, मैकेनिस्ट के लिए इतने, सारे ट्रेड के सामने सामने उतना लिखा है, मैं हर एक के नहीं, 6,225 रुपये आपको पर मंथ का मिलेगा, मेहनताना या स्टिपेंड बोलते हैं। अब देखो जो पहली कैटेगरी थी जिसने वोकेशनल करके रखा है, आपको पास होना चाहिए वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आपको कंसर्न वोकेशन ट्रेड जो मैंने ऊपर बताई उसमें आपको पास होना चाहिए। कैटेगरी टू जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें, ITI आपको कंसर्न ट्रेड में पास होनी चाहिए, ठीक है, कोई परसेंटेज की मांग इसमें नहीं रखी। एज आपकी एज पर अप्रेंटिसशिप रूल, जो अप्रेंटिसशिप रूल है 1961 का, वो कहता है कि आपकी उम्र मिनिमम 14 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम का उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया है, मिनिमम आपको थोड़ा ठीक ठाक फिजिकली होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहने वाली है, ठीक है। और देख लेते हैं प्रीवियस ट्रेनिंग। अब देखो कैंडिडेट हुए ऑलरेडी जो कर चुके हैं, अंडरगोइंग जो कर रहे हैं, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, एक बार इसने कर ली कर ली। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बेसिक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज पर दियर द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। मतलब कि आपने क्लास 10th किया और आपने ITI किया, ठीक है, तो ITI में जो आपके परसेंटेज आ रखे हैं उनके हिसाब से ये लोग एक बनाएंगे मेरिट लिस्ट, उस पर अगर आपका नाम आता है तो बस आप इसमें जाके कर सकते हो अप्रेंटिसशिप, ठीक है। और देखो बोर्डिंग लॉजिंग आपको प्रोवाइड नहीं होगी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड, वो आपका खुद का खर्च होगा। रजिस्ट्रेशन समेशन आपको जो है ना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की विधि मैं बता देता हूँ, www.coachingcpr.com पर जाकर वहाँ अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर पाओगे, ठीक है। और देखो आपका 5 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो देर ना करते हुए आप जो है ना भर सकते हो, और आपकी लास्ट डेट जो है 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर 2018, तो 20 दिसंबर के पहले पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दीजिएगा। तो हमने मोस्टली चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली, आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं, कॉल लेटर आपके जो है ना वेबसाइट है उसी में जो है ना